बिकवा स्वागत है आपका एक्सप्रेस स्पेशल में। और अब बात करेंगे एक अनोखी शादी की। आप कई शादियों में गए होंगे जहां आपने शानदार से शानदार इंतजाम देकर उसकी तारीफ जरूर की होगी, लेकिन क्या कभी आप किसी शादी में अपने दूल्हे दुल्हन के स्टेज पर टॉयलेट बना देखा है? अगर नहीं देखा तो अब देख लीजिए। रतलाम के पलदुना गांव में जगदीश धाकड़ और पूजा की शादी हुई, जो पूरी तरह से स्वच्छता को समर्पित रही। शादी का नई आबाद रोड पर स्टेज सजा, जहां दूल्हा दुल्हन बैठे और वहां टॉयलेट का मॉडल रखा गया। वहीं शादी के पंडाल में जगह जगह स्वच्छता का संदेश देते हुए बैनर पोस्टर लगा दिए गए। इस शादी में जो भी शरीक हुआ वो पहले तो यहाँ के इंतजाम को देखकर मुस्कुराने लगा, लेकिन जब उन्हें स्वच्छता का संदेश देने का मकसद समझ में आया तो धाकड़ परिवार की तरफ तारीफ की गई। और शादी में नो प्लास्टिक, सामाजिक समरसता और भोजन को व्यर्थ न करने का भी संदेश दिया गया। शादी में बफर सिस्टम नहीं था। मेहमान के रूप में आए हर जाति धर्म के लोगों को पंगत में बैठाकर भोजन कराया गया और पानी के लिए प्लास्टिक के ग्लास की जगह लोटे की व्यवस्था की गई। शादी में ये बैनर पोस्टर और तख्तियां भी लगे थे। उतना ही ले थाली में और व्यर्थ ना जाए थाली में, ये नारा, ये स्लोगन उन्होंने लिखा था। इस अनोखी शादी में दान के महत्व को भी बताया गया था। आज का जो अनावश्यक खर्च है समाज में और जो शादियां होती है वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि आज का जनरेशन बहुत ही अनावश्यक खर्च करता है। उस हिसाब से पैसा बचाना चाहिए, क्योंकि पैसा बचाने से परिवार की सारी समस्या का निवारण होता है। आप कृषि में सर्वप्रथम जो पत्रिका छपाई थी उसके स्वच्छता का लोगो और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का लोगो लगवाया, और फिर जब आशीर्वाद समारोह था तब स्टेज पे कुछ स्वच्छता को लेकर तख्तियाँ लगाई गई और कुछ फ्लैग्स लगाए गए ताकि लोगों में उनके प्रति जागरूकता आए। बेटी को क्या पढ़ाओ दोनों ने शुरू पत्रिका भी छपाया, उससे भी अच्छा लगा कि ताकि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ स्वच्छता के लिए भी अच्छा लगा। तो जगदीश जी ने एक ऐसा काम किया जिससे लोगों को ऐसा लगे कि नहीं हम पैसे वाले हैं लेकिन अपने को कम खर्चा करना चाहिए, जिससे कुछ बचत हो, गरीब लोग भी अपने को देख के अपने हिसाब से खर्चे करें। जगदीश जी ने अच्छा काम किया है। और इसी पर ज्यादा जानकारी ज्यादा बातचीत के साथ हमारे साथ खुद दूल्हे उस शादी से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। जगदीश जी सबसे पहले तो स्वागत है आपका। जगदीश जी, रतलाम में एक अनोखी शादी जो सभी की चर्चा का विषय रही, ये आपकी शादी थी, लेकिन आपसे जानना चाहेंगे ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में आया कैसे? ये कॉन्सेप्ट अभी क्या है कि माननीय प्रधानमंत्री जी लगातार इस मुहिम से चला रहे और एक दो साल हो गया, हम देख भी रहे स्वच्छता को लेकर पूरे भारत वर्ष में जोरों शोरों से जोर दिया जा रहा है। तो मैं अभी BSW का स्टूडेंट भी हूँ और मेरे को यही सिखाया जाता है कि लोगों को स्वच्छता के बारे में जानकारी देना है। तो मैंने मेरी शादी में सोचा कि अपन भी कुछ स्वच्छता को लेकर कुछ ऐसा करे ताकि समाज में एक संदेश जाए और लोगों को प्रेरणा का विषय बने। जगदीश जी, आपकी शादी में बहुत सारे लोग आए थे, आपको शुभकामनाएं दी, लेकिन लोगों की किस तरीके की प्रतिक्रियाएं सामने आई थी? लोगों को सबको अच्छा लगा और खासकर महिलाओं को अच्छा लगा, क्योंकि महिलाओं को जो पढ़ा उन्होंने और जो स्वच्छता के बारे में उनको जो अनुभूति हुई कि ऐसा कुछ स्पेशल कर सकते हैं अपन और स्वच्छता के स्वच्छता बनाए रख सकते हैं जी, तो महिलाओं को बहुत ही अच्छा लगा जी। चलिए जगदीश जी, आपके पास वापस आएंगे। हमारे साथ अशोक चौटाला जी, ग्रामीण बैंक अध्यक्ष हैं। अशोक चौटाला जी, स्वागत है आपका। जैसा कि अशोक चौटाला जी, आप ही के क्षेत्र रतलाम में एक ऐसी शादी हुई जहां स्टेज पर टॉयलेट बना था, एक अच्छी पहल थी क्योंकि लोगों को संदेश यहां पर देना था स्वच्छता के प्रति। पहले आपकी प्रतिक्रिया इस पर। नहीं, इसके लिए जगदीश जी ने बहुत अच्छी पहल करी, मैं उनको अपनी ओर से धन्यवाद करूंगा। और हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी लगातार जिस दिन से वो आए लगातार इस बात को लेकर सारे देश में स्वयं झाड़ू उठाकर और लोगों को प्रेरित करके और स्वच्छता का क्या महत्व है जीवन में। इतने छोटे से गांव में एक साधारण परिवार के एक युवक ने इस प्रकार की जो संकल्प लिया स्वच्छता के अलावा भी, वहां पर अनेक
बातों को लेकर जो आम आदमी जनजीवन से टच की थी उन बातों को लेकर तकिया भी लगाई और लोगों को एक संदेश भी दिया और बहुत ही अच्छा काम किया जी। इस स्वच्छता अभियान में शादी के अवसर पर ये अनूठी पहल की, इसके लिए मैं वास्तव में उनको धन्यवाद देना चाहूंगा। बिल्कुल, चलिए शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए अशोक जी, और जगदीश भी हमारे साथ जुड़े थे, उनका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और अब स्वराज समाता अमित निगम पूर्णलाइन जुड़ गए। अमित, जो भी आया पहले हल्का मुस्कुराया कि ये कैसी अनोखी शादी, लेकिन लोगों की क्या प्रतिक्रिया सामने आई? देखिए, लोगों की प्रतिक्रिया की बात करें तो अक्सर कार्डों पे तो इस प्रकार के संदेश देखे जाते थे, परंतु जहाँ तक शादी का सवाल होता है, स्टेज को बहुत बेहतरीन तरीके से सजाने का प्रयास किया जाता है, और ऐसे समय पर जब लोगों ने वहाँ पर टॉयलेट का जो मॉडल देखा तो उनकी सीधी सीधी मुस्कुराहट थी, पहले तो चौंक गए कि ये क्या है। उसके बाद उनकी जो प्रतिक्रिया आई वो काफी सार्थक थी, उनका कहना था कि एक अच्छी पहल, एक अच्छा संदेश जाएगा, हजारों लोग यहाँ पर आ रहे हैं, खाना खाने आए हैं, और उन्होंने इसको देखा है और सराहा है और एक नया विचार मन में लेके गए स्वच्छता के प्रति, स्वच्छता के अलावा खाना बचाने के प्रति और सामाजिक समरसता के प्रति। जी जी, चलिए शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए अमित।